दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाया है एक बंगाली पराठा। ये पराठा का आप पिटाई पराठा कह सकते हो या तोड़फोड़ पराठा कह सकते हो, बट बहुत ही खस्ता होता है। इसकी खासियत यह है कि बहुत खस्ता होता है। तो ये आप लोगों के लिए लाया है और आप लोगों को दिखाता है कि उसमें क्या क्या डालना है। उसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल लेके रखा है, साथ साथ तरह बटर लेके रखा है, साथ साथ नमक, शुगर और बेकिंग सोडा। अब हम एक एक करके इसमें सब डाल देंगे। बेकिंग सोडा, साथ साथ डालेंगे नमक, साथ साथ डालेंगे शुगर। शुगर हमने 12 टेबलस्पून का 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया। अब साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये छोटा बॉल का एक बॉल ऑयल इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। अब इसी बॉल का एक बॉल हम बटर इस्तेमाल करेंगे, अमूल का बटर है। अब साथ साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी ब्लैक जीरा। अब इसको अच्छी तरह मैरिनेशन कर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक जीरा, इसको अच्छी तरह हाथ से इसको मिक्स करना है और इसको पूरा पाउडर जैसा बना लेना है। ये जो तेल का घुट घुट होगा दोस्तों, ऐसा नहीं रहना चाहिए। इसको पूरा मिक्स करना है अच्छी तरह हाथ से, दोनों हाथ से या एक हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके बाद इसका फिर पानी डाल के इसको मैदा का जो बेटर होता है, पैरा होता है, वो अपने को काट लेना है। क्योंकि ये जो तेल है, ऑयल है, बटर है, शुगर है, सब चीज़ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाना चाहिए सूखा हालत पे। इसके बाद ही इसको ऐसा मिक्स करने का एक ही रीज़न है कि ये बनेगा क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगा ये। तो दोस्तों देख सकते हो कि मैदे का जो पूरा आकार है पूरा बदल गया है, मैदा पूरा दाना दाना हो रखा है। तो अपने को क्या करना है, इसमें आप डालना पानी। पानी कितना डालना है, पानी जो जैसे नॉर्मल आटा गूंदने के लिए जितना पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी इसमें डालना है। तो अब हम इसमें डाल देते पानी और इसके बाद इसको एकदम गीला मैदा नहीं लगाना, आटा थोड़ा करक रखना है। जैसे हम समोसा के लिए आटा लगाते हैं उसी जैसे थोड़ा करक रखना है। अब हम इसको एक हाथ से आराम से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह। इसके बाद हम आटे को घोल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको टेबल पर डाल दिया है। अब दोनों हाथ से इसको अच्छी तरह मालिश कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसका पराठा कैसे बनाना है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बन के रेडी, अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा अजवाइन। अजवाइन क्या होता है दोस्तों, बहुत ही खास्ता होता है और बहुत अजवाइन का हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बहुत मुसी चीज़ में अजवाइन का बहुत काम होता है दोस्तों। तो इस तरह हम इसको दोनों हाथ से मालिश कर लेंगे। अब फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसका पराठा कैसे बनाना है। तो हमारा ये मालिश हो गया, इसको ज़्यादा मालिश नहीं करना है, नॉर्मल ही करना है। अब इसका पराठा बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि पराठा इसका कैसे बनेगा। तो ये हमने दो पैरा बना लिया, दो ही पराठा बनाएंगे, बहुत बड़ा बिग पराठा बनेगा। इसका अंडा चना दोस्तों ऐसा होना चाहिए, तब है इसका क्रिस्पी बनेगा, मतलब जो खस्ता बनेगा। पराठा क्या है, ये पिटाई पराठा है और पिटाई पराठा में बहुत सारे इसको तोड़ना होता है, ऐसा ऐसा करके जैसा हम लच्छा पराठा का तोड़ते उसी तरह इसको भी तोड़ना है। लेकिन ये बहुत बिग साइज़ का पराठा बनता है, बड़ा तवा पे, बड़ा तवा पे बिग बनेगा। इसके लिए इसको पिटाई पराठा कहता है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, आप ये एक पैरा हो गए हमारी। ये हमारा बेलना रेडी है। अब हम इसको इसमें डालेंगे मैदा,
आप इसको इस तरह बहुत लंबा लंबा बेल लेंगे दोस्तों। ऐसे बेल लेंगे इसको, इसको बहुत बड़ा बनाना है दोस्तों, क्योंकि बड़ा तवा पे बनेगा, तो इसके लिए आपको इसको थोड़ा बड़ा बनाना जरूरी होता है। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जैसे हम लगभग लच्छा पे जो रावल लगाते हैं उसी तरह इसमें थोड़ा ऑयल देंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा इसमें मैदा सिरक देंगे ताकि इसका जो लच्छा है वो बने रहे। इस तरह लच्छा को ऐसे एक राउंड दे देंगे ऐसा, तो ये देख सकते हमारा लच्छा है, ये बन के रेडी है लच्छा। इसी तरह हम लच्छा देंगे और इसका पराठा बनाएंगे, और आप लोगों को दिखाता है कि लच्छा पराठा कैसा होता है। मतलब पिटाई पराठा के लिए भी हमको लच्छा मारना ज़रूरत होता है दोस्तों। इस तरह इसका लच्छा बनाया जाता है। आप दूसरों को भी इसी तरह बेल लेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं कि उसको भी कैसे बनाना है। ऐसा ही इसका भी हम बना लेते हैं, इसको बहुत तगड़ा बेल लेते हैं बना करके। दोस्तों इसको ज़्यादा मालिश नहीं किया हमने, क्योंकि ज़्यादा मालिश नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ऑयल बटर साथ साथ जो बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अंदर से ऑलमोस्ट फूकेगा और क्रंची आएगा, कुरकुरेपन आएगा, साथ साथ क्या बोलता है खस्तापन आएगा। इसके लिए इसको ज़्यादा नहीं मालिश करने का, ज़्यादा मालिश करेंगे तो पराठा जो खस्ता होता है ना दोस्तों वैसा खस्ता बनेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा अंदर से मैल हो जाएगा। तो अंदर से मतलब थोड़ा गैप रहना चाहिए, गैप, तब जाके वो अंदर से पराठा खस्ता बनेगा। अब फिर से इसके अंदर से हम थोड़ा मैदा डाल देंगे। अब इसको हम इस तरह हाथ से थोड़ा सा घुमा देंगे, और फिर इसको हम हमारे हाथ की तरफ देख सकते हैं आप लोग हम किस तरह इसका लच्छा मारते हैं। इसी तरह एक साइड से पकड़ना है, एक साइड से पकड़ना है, ऐसे इसको फोल्ड करना है, फिर ऐसा फोल्ड करना है, फिर ऐसा फोल्ड करना है, ऐसा हाथ जाएगा और ये दोनों उंगली ऐसा इसको फोल्ड कर लेना है, फिर तीसरे को भी ऐसा इसको फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो कि ये लच्छा कैसे बन चुका है। तो इसी तरह आप घर पे लच्छा पराठा का भी बना सकते हो। अब इसको ऐसा लेना है और फिर ऐसा इसको फोल्ड कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हमारा लच्छा कैसे रेडी है बन के। तो इसी तरह दोस्तों दोनों लच्छा का हमने रेडी कर लिया है। तो दोनों का लच्छा मारेंगे और आप लोगों को दिखाते कि पिटाई पराठा कैसे बनाए। ये बहुत मैंने लगभग 1 किलो आटा का बना रहा हूँ, 2 पराठा, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को आप दिखाते हैं कि लच्छा पिटाई पराठा कैसे बनाया जाता है, अब उसका रेसिपी आप लोगों को बताता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसा नया नया तरीके का पराठा बनाना, नया नया फूड आप लोगों तक पहुंच जाए। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया रेसिपी आप लोगों को पाना है तो नया वीडियो देखना है, तो इस तरह आपको सब्सक्राइब दोस्तों आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि आप इसको बेलना कैसे। तो सबसे पहले हमने इसको रेडी किया, इसको आप बाजू रखेंगे और इसको पहले बेलेंगे। इसके लिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर से ढेर सारा मैदा डाल देना है। मैदा डालने के बाद क्या होता है वो अंदर तक फिर फूलेगा, जब पराठा पीटेगा ना, पीटने के बाद ना दोस्तों पराठा अंदर तक फूल जाएगा। इसके लिए हमको उसके ऊपर से ढेर सारा मैदा डाल देना है और इसको इस तरह बेलना है। इसको आप मोटा नहीं बेल सकते दोस्तों, क्योंकि ये पकने के लिए जाएगा, आप इसको पतला ही बेलना है, जितना पतला मतलब पराठा होता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हमने कितना बड़ा बनाया पराठा को।
इस तरह ये दो पराठा आप लोग एक किलो का पराठा बनाओगे तो घर पे कम से कम 6-7 लोग आराम से खा सकते हो। ब्रेकफास्ट के नाश्ता 6-7 लोगों का नाश्ता हो जाएगा आराम से बहुत प्यार से। इसके साथ साथ आप लोग कोई भी सब्जी ले सकते हो या ग्रेवी ले सकते हो। जैसे कि हमने इसमें कुछ डालेंगे, हम लोग आज इसमें डालेंगे शेजवान की चटनी साथ में और यह पराठा। दोस्तों हमने इसका लंबा आकार दिया है, आप लोग चाहे इसको गोल आकार दे सकते हो, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो हमने तो इसको लंबा आकार दे रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा पराठा कितना लंबा बड़े बिग पराठा बन के रेडी है। आप इसको हम डालेंगे तवा पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे इसको पकाना है। सबसे पहले हमने तवा को रेडी करके रख लिया है। दोस्तों हमारा पास बड़ा सा तवा है, आप लोगों के पास अगर इतना बड़ा तवा ना हो तो जितना बड़ा तवा है आप लोगों के पास, जितना कैपेसिटी का तवा है आप लोगों के पास, आप लोग उतना बड़ा बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिग पराठा है तो इसको ऐसा उठाने का और ऐसा हाथ पर लेने का दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसा इसको हाथ पर लेने का और फिर देख सकते हो कितना बड़ा पराठा बनाया। इसको ऐसा लेने का और फिर इसको तवा पे ऐसा छोड़ने का दोस्तों, ऐसे ऐसे लिया, फिर ऐसा इसको डालने का दोस्तों और फिर ऐसा इसको छोड़ने का दोस्तों, ठीक है। तो हमारा तवा रेडी है। दोस्तों आप सबसे पहले हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, क्योंकि ऊपर से तेल डालना ज़रूरत होता है। ऊपर से तेल डालने से और बढ़िया क्रिस्पी आता है, कलर अच्छा आता है। तो आप हम इसको इस तरह एक पलटी मार देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमने पराठा को बहुत सही ढंग से पलटी मार दिया है। आप लोग इसी तरह पलटी मार दीजिए। अब इस तरह से ऑयल डाल देंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है दोस्तों। तो देख सकते हो कि हमारा पराठा बहुत ही बढ़िया सा कलर देना चालू कर दिया है दोस्तों। मतलब देख सकते हो कि इसके बाद हम इसको ऐसा पीटेंगे, पीटने से बनेगा पीटा है पराठा। तो दोस्तों देख सकते हो हमने जो लच्छा मारा ना दोस्तों, लच्छा मारा इसके लिए ये साइड से देख सकते हो कैसे लच्छा निकल रहा है। तो इसी तरह पूरा लच्छा निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अब ये जैसे कि तीसरा लहर है ऐसा लच्छा का लहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये पराठा बहुत ही बड़ा पराठा हो गया, तो आप लोग इसका छोटा ही बनाइएगा घर पर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा साइज़ का बड़ा बना दिया। तो मेरे पास बड़ा तवा था करके हमने बड़ा बना दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप लोग इतना बड़ा पराठा बनाओगे तो कम से कम 6-7 लोगों के नाश्ता आप लोगों को आराम से हो जाएगा। आप लोगों को नाश्ता करने के लिए कुछ और चीज़ के अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग इसी तरह इसी चीज़ से सबका नाश्ता बना सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इसमें ऑलरेडी हमारा पराठा बन चुका है और अभी से देख सकते हो कि इतना खास्ता हो गया कि तवा पे टूटने लगा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पराठा का हम इसमें इस तरह उठा लेंगे। अब इसको गर्मा गर्म दोस्तों तोड़ने का है। जैसे कि हमारे पास तोड़ने के लिए बेलना है, तो बेलना से हम इसको ऐसा फोड़ेंगे ताकि बहुत ही खस्ता बन जाए। ऐसे फोड़ने का तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कि हमारा जब पराठा है कितना मुसमुचे हो रखा है, कितना खस्ता हो रखा है। अब इसको ऐसा हाथ से लेने का दोस्तों और एक एक प्लेट में ऐसा तोड़ तोड़ के देने का है। और इसके साथ आपने दही दे सकते हो या चने के जो सब्जी है सब्जी बना के दे सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप दे सकते हो।
ऐसे दो तोर के देने का, ऐसा ऐसा देने का। अब फिर जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, चार पराठा में चार पोर्शन बन गया, चार आदमी आराम से इसका नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी इसी तरह घर पे बनाइए। ये बहुत मुचमुची हो रखा है, बहुत खास्ता हो रखा है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें इस तरह डालेंगे मैदा ऊपर से, पहले बता दिया हमने किस तरह इसमें मैदा डालना है। अब इसको बेल लेना है इस तरह, तो दोस्तों ये जो लच्छा का लहर है, ये लच्छा का लहर के लिए पराठा आपका खस्ता बनेगा। इसके लिए हमने लच्छा लगा लिया इस पर, लेकिन ये मैदे को ज़्यादा मालिश, सबसे पहले बता रहा हूँ आपको कि ये मैदा ज़्यादा मालिश नहीं होता है। ज़्यादा मालिश करोगे तो खस्ता नहीं बनेगा, थोड़ा मालिश करना है और फिर इसको बेलने की सहारे से बेल देना है और फिर पराठा बना लेना है। दोस्तों ये बन के रेडी है, अब हम इसको भी उठा लेंगे इस तरह हाथ पे, इसी तरह दोस्तों इसको उठा लेना है। ठीक है, जैसे कि हम रुमाले पकड़ते हैं इसी तरह इसको उठा लेना है, फिर इसको ऐसा लेने का और फिर आपको जाकर ताव पे छोड़ देना है दोस्तों। अब हम इसको पकड़ के मार लेते हैं दूसरे के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे ताकि जल्दी जल्दी पक जाए। और इसको हम इस तरह पलटी मार देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो लच्छा है दोस्तों, ये कैसे कैसे निकल रहा है, ये कैसे कैसे लच्छा निकलते जा रहा है। इसी तरह आप लोग घर पे बनाओगे तो इसी तरह आप लोगों का भी लच्छा बनते जाएगा पराठा के। दोस्तों देख सकते हो लच्छा इतना बढ़िया बना हुआ है कि पलटा का भी सहारा नहीं ले रहा है, ये अपने आप टूट रहा है पराठा। इसके लिए इसका नाम रखा गया कि पिटाई पराठा। इसको पीटना होता है, पीटने के बाद अपने आप और खस्ता बन जाता है। तो दोस्तों देख सकते हो कि हमारा पराठा रेडी है, अब हम इसको भी पीटना शुरू करेंगे और आप लोगों को दिखा देंगे पिटाई पराठा कैसे बनता है। ये पिटाई पराठा, इस तरह इसको पीटो और फिर खस्ता बना डालो और फिर आराम से खा लो। इस तरह इसको तवा पर तोड़ लेना है दोस्तों, और बाकी जितना तोड़ना है इसको ऊपर उठा के तोड़ लेना है। तो ये पराठा हमारा रेडी है, अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और फिर इसको पूरा फोल्ड करके हम ऐसा उठा लेंगे, यहाँ डालेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे इसको। तो इसको देख सकते हो कि हमारा पिटा पराठा रेडी है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग कि हमारा जो पिटाई पराठा है, पिटाई पराठा टूटा हुआ पराठा बोला जाता है इसको। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग हमारा जो टूटा हुआ पराठा है, पिटाई पराठा है, ये बन के रेडी है। साथ ही साथ ये हमारा बंगाली स्टाइल चिकन भुना या तो चिकन कसा, चिकन कसा वाला चिकन है हमारा। साथ साथ हमने डेकोरेशन के लिए एक टमाटा काट के दे रखा है। और ये देख सकते हो हमारा जो पिटाई पराठा है, इतना खस्ता हो रखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया खस्ता हो रखा है। और इसका जो वाइट ब्लैक टील डाला हुआ है उसके लिए और बढ़िया मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ डाला है हमने अजवाइन, तो ये दोनों चीज़ों की कम्बो बहुत ज़बरदस्त है, लाजवाब है। आप लोग पराठा को देख सकते हो, जो पिटाई पराठा है कितना टूटा हुआ, कितना खस्ता है। तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह नया नया वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा।
Yeah.